स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। सर, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.2। उसका लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था जो कि मैंने लिख दिया 14 वाला। तो बेटा इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर हम इसके 6 पार्ट हैं, तो 6 के 6 पार्ट हम इसी लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। लिहाजा ये एंड पे एक्सरसाइज कर रहे, तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10.2 और 10.4 किसी में से भी एग्जाम्पल भी आ सकती है, और 10.3 का जो देखे मैंने एंड पे क्वेश्चन किया होगा, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में। तो जो इस सब प्रीवियस लेक्चर जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे 3 सवाल, उसमें से एक इस दफ़ा आया था पेपर में, तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ये। अब आपने एक्सप्रेस करना है जो भी क्वेश्चन होगा, किस फॉर्म में करना है, या इस फॉर्म में, या आर का मतलब होता है या आपने इस फॉर्म में करना है। तो बेटा आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर ये प्लस वाला आ गया, या ये दोनों हमारे पास गिवन है और माइनस वाला भी है, अगर आपका क्वेश्चन के दरमियान में प्लस है तो आप प्लस वाला लेंगे, लेट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन के दरमियान जैसे कि ये माइनस है तो ये आप माइनस वाला लेंगे, ठीक है। वेयर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल, आपने थीटा बताना है, ठीक है, थीटा तो आपके पास है, और फाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा और फाई दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये बताना चाह रहा है। मेन आपने फाइंड क्या करना है, मेन आपने फाइंड करनी ये चीज, इसके अंदर जो हमारे पास एक आर चाहिए और एक चाहिए फाई, तो हम ये दोनों के दोनों निकालेंगे। जैसे देखने मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके समझ आ जाएगी। सबसे पहले बेटा आपने लेट कर लेना है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन इसी तरह लिख ले, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और बराबर आपने लिख देना है बेटा प्लस वाला है तो प्लस वाला लेंगे, ये उसने हूती बता दिया था, आर साइन और थीटा प्लस फाइव, इसको बोलते हैं फाइव, फाइव यानी कि एफ ए, ये होता है फाइव, ठीक है। अच्छा, अब आ गया, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करते हैं ताकि कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन, ओपन कर लें जरा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फा, ये समझिए अल्फा और ये बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है, ये वाला आपको पता है। अब आर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे ही लिखते जाना है, साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आ गया जी आर साइन थीटा कॉस 5 और प्लस दोनों के साथ सिर्फ आ जाएगा आर, ठीक हो गया बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे हमने कंपेयर करनी है ये वाली चीज, जरा देखे जरा गौर से, अब कंपेयर करने लगूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करें, मतलब ये है कि ये वाली चीज इसके बराबर आ जाएगी और ये वाली चीज इसके बराबर आ जाएगी, तो ये जो चीज जब बराबर आएगी तो ये दोनों कट जाएंगे, तो लिहाजा इस तरफ 12 बच जाएगा और इस तरफ क्या बच जाएगा, आर कॉस 5। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें 12 अगर साइन थीटा है ना, तो इधर आ गया जी आर साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये प्लस है, या ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, या ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड होगा, इसके नीचे भी साइन नीचे काट लें, इसके नीचे दोनों को साइन पर डिवाइड काट लें, तो ये इधर भी ये इधर भी, तो लिहाजा हमने पहले ही लिख दिया आर और कॉस 5 बचता है, ठीक है, इसी तरीके से आपने लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, दोनों साइड्स को करना था कंपेयर, अब दूसरे तरफ आ जाता है 5 कॉस और ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 5 बच गया और आर साइन 5 बच गया, आर साइन 5 बच गया। तो बेटा अब आपने क्या करना है कि स्केयर भी कर लेना, इक्वेशन नंबर 2 नाम रख लें, क्योंकि 1 आपने ये फाइंड किया, इसमें हमने फाइंड करना है 5 और आर, तो इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग,
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग या देन लिख लें, स्क्वेयरिंग देन स्क्वेयर करना है फिर देन ऐड करना है, एडिंग कर लेनी है किसको, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री को, टू और थ्री को स्क्वेयर करते जाएं साथ ऐड कर लेंगे। पहले स्क्वेयर किया, 12 का स्क्वेयर कितना होता है जी 144, ठीक हो गया। तो प्लस 5 का स्केयर कितना होता है जी 25, तो यहाँ पे देखें स्केयर भी कर लिया और साथ दोनों को ऐड कर लिया। अब इन दोनों का स्केयर, ऊपर वाले का स्केयर करना है तो पहले लिख लेना और स्केयर कॉस स्केयर 5, ठीक हो गया। और इस तरफ प्लस लगाना है, अब इसका स्केयर लिखना है ऐड डाल के, तो आर स्केयर साइन स्केयर 5 आ गया। तो बेटा देखें हमने इसका स्केयर किया यहाँ पे लिखा, फिर प्लस डाल के इसका स्केयर लिया यहाँ पे, इसी का इसी तरह दोनों का स्केयर लेके यहाँ पर और ऐड डाल के फिर ये, इन दोनों में बेटा हमारे पास आर स्केयर कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे बच गया जी कॉस 5 जमा साइन स्केयर लगाना है यहाँ पर स्केयर 5, तो यहाँ पर बच गया आर स्केयर, ये आपको पता है 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा 169। तो 169 का बेटा दोनों तरफ स्केयर रूट लिया जाए तो ये इससे कैंसिल, तो आर का जवाब हमारे पास आ गया 13, आर का जवाब क्या आ गया 13। तो अब हमने सिर्फ आर भी निकालना था और फाई निकालना था, फाई किस तरह निकालना है वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बाद में रेस कर देंगे। आपने करना है कि इक्वेशन 3 को डिवाइड पहले लिख लें जी, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 को, 3 को ऊपर रखना है और 2 को इसको ऊपर रखना है, यानी कि 5 आर साइन 5 और इसको जो है डिवाइड कर देना इसके ऊपर, इसको नीचे रखना है आर कॉस, क्योंकि हमने टेन बनाना है इससे निकल जाए, ये आ गया हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो साइन ओवर कॉस टेन 5 बन गया और इधर आ गया 5/12, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 उधर रह गया, टेन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, 5/12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमें बेटा यहाँ पे हमने 5 की वैल्यू भी निकाल लिया और किसकी निकाल लिया आर की भी। तो अब आपने आर और 5 दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, यहाँ पे आप लिख लें पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये सारी की सारी चीज आपने ऐसे लिख लेनी है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर की जगह क्या आ जाएगा 13 जो हमारा आंसर आया, और बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें, साइन थीटा प्लस 5 ही लिख लें क्योंकि अंदर जरा नहीं लिखा जाएगा, तो वेयर हम बता देते हैं उसको आगे के 5 है कितना, 5 है जी टेन इनवर्स 5/12, यहाँ पे ना लिखे आगे उसको बता देंगे 5 क्या है। तो बेटा इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस वजह से इस पार्ट के हम दो भी क्वेश्चन काट लेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि सारे के सारे सेम है, एक मैंने पॉजिटिव कर दिया तो एक मैं नेगेटिव भी कर देता हूँ, तो उम्मीद है कि जो बकिया क्वेश्चन है आप इजीली कर सकेंगे। नहीं अगर होगा कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह जो है मैं आपको ज़रूर करके दूंगा। अब मैं ये करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ताकि ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पर रेज कर लेते हैं, तो ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसी लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप कर लेते हैं, ये जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बेटा इसी तरह, क्योंकि बिल्कुल ये भी क्वेश्चन सेम है, करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बाकिया क्वेश्चन करने में। यहाँ पर बेटा हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको, उसी तरह पहले लेट करेंगे जी 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, लेकिन अब इसको लेट जो किया है हमने माइनस वाले को लिखना है जी, क्योंकि ये अब जो क्वेश्चन है वो हमें माइनस में दिया गया है, ठीक है, जरा ये माइनस है। अब आपने बेटा क्या करना है, इसका नाम रख देना ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर हमने पुट करना होता है, तो लिहाजा अब हमने क्या करना है इसको मैं करता हूँ, क्या करना है जी इसको ऐसे लिखना है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसको ओपन करना है जी, साइन को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस 5, क्योंकि साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस तो माइनस आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे जी कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये समझे अल्फा और ये क्या है बीटा, तो कॉस थीटा
और साइन बीटा, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ऊपर से देखे आपने ये फाइल बहुत दफा मैंने समझाए हुए हैं, तो ये आर अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ आर जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और इस तरीके से माइनस आर कॉस थीटा और साइन फाई, ठीक है। इसको बेटा ऐसे ही लिखना है आपने, साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा। तो अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जी, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड कंपेयरिंग बोथ साइड कर लें, क्योंकि हमने इक्वेशन नहीं बनाई, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो पहला पहले के साथ कंपेयर, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आगे बता चुका हूं, तो यहां पे बजेगा थ्री, उधर बजेगा आर कॉस फाइव, ठीक है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर टू कह देते हैं, और दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे माइनस के साथ बचेगी, क्योंकि माइनस भी है, और आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉस कॉस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, अच्छा तो इस तरीके से बेटा ये भी माइनस है, अच्छा तो बेटा एक ये भी है, मैंने तो कहा था अगर प्लस वाला हो तो प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला हो तो माइनस वाला, अगर आप ना भी ना लें, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई लेना है, तो अगर आप ना भी, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं सर हमने प्लस लगाना है, आप प्लस लगा देंगे फिर भी मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रीजन ये है अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे फिर भी प्लस ही आएगा, यानी कि ये अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, काट जाएगा माइनस, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, टेन इनवर्स करके देख लें, आपको कोई निकालने की जरूरत नहीं, बस टेन इनवर्स फोर ओवर थ्री माइनस ना भी लगाएंगे एंगल के अंदर फिर भी कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि उसने कहा है कि ये दोनों के दोनों बेटा पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, फाइव का जवाब कोई भी आएगा वो हम पॉजिटिव लेंगे, तो हाँ पॉजिटिव ही लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि नेगेटिव लगा के कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, इस वजह से मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव लगा लें गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा आर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आर साइन फाई, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये बन गई थ्री, तो अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग देन फिर क्या करना है, एडिंग करना है किसको, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री को, ठीक है। इसको स्केयर लिया तो ये नाइन आ गया, प्लस माइनस फोर का जब स्केयर लेंगे ना, इसका मतलब माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर, तो ये कटिंग होकर सिक्सटीन ही आएगा, तो हमने ऐड भी कर लिया साथ, फिर इसको लिखेंगे आर स्केयर कॉस स्केयर फाइव, तो जमा डाल के हमने नीचे वाला लिखा आर स्केयर साइन स्केयर फाइव, तो बेटा आप देखेंगे इसको जमा के 25 आ गया, तो इसका कॉमन आ गया आर स्केयर, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्केयर फाइव, ठीक है, जमा साइन स्केयर फाइव, ये कॉमन आ गया था, तो ये 25 आ गया, इधर आ गया आर स्केयर, तो ये वन हो जाता है, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, कैंसिल हो गए, यहाँ पे इसका स्केयर रूट फाइव आ गया, तो आर का जो आपके आ गया फाइव, आपने थीटा निकालना है तो उसी तरह डिवाइड आपने कर देना है, यहाँ पे मैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं रेस करने लगूँ, तो अब बकिया थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा वो कम्प्लीट करते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट तो मैं अभी रेस कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिया वो वीडियो पीछे करके दोबारा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट कर लिया करें। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है जी, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग मैं लिख देता हूँ, डिवाइडिंग क्या करना है जी, इक्वेशन थ्री को बेटा बाय इक्वेशन टू के ऊपर, थ्री को ऊपर रखना है, जैसे हमने ये नाम रखा था थ्री और नीचे नाम रखा था टू, अब यह मैं लिख लेता हूँ, ये रेज हो गई है क्वेश्चन टू एंड थ्री, तो यहाँ से देख के लिख लेते हैं जी, ऊपर हमने ये वाली क्वेश्चन रखनी है क्योंकि ये थ्री थी, ठीक है, ये टू थी, थ्री को ऊपर रखना है, टू को नीचे, तो ये है माइनस फोर, इधर था जी आर साइन फाइव, तो इधर था थ्री इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो ये बेटा आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, माइनस फोर ओवर थ्री, तो इधर क्या आ गया जी, टेन, टेन फाइव बन गया साइन ओवर कॉस, तो फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो फाइव की वैल्यू आ गई जी टेन इनवर्स फोर ओवर थ्री, तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये नेगेटिव आप ना लगाएं, ये देखें एंगल के अंदर आ गया, अगर वन नेगेटिव लगाया होता तो ये पॉजिटिव आ जाना था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, अब फाइव की वैल्यू और जो भी आर आया है हमारा पाँच आया था वो हमने किया था यहाँ पर, तो बेटा आपने क्या करना है, इक्वेशन वन में पुट कर देना है, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ
आर इन इक्वेशन वन, ठीक है, वन के अंदर पुट करेंगे जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर वही लिखना जो भी है, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फाइव साइन, ये ऐसे लिख लें थीटा प्लस फाइव, तो जो फाइव का आंसर है वेयर लिख के ना आगे लिख रहे हैं जी, फाइव का आंसर ये है टेन इनवर्स माइनस फोर ओवर थ्री, ठीक है। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन के मैं सिर्फ दो पार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अगर अगर आप मुझे बहुत देर से अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो कि आपको जानते हैं कि मैं एक एक मेरे चैनल के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक मैं पूरी मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसके पार्ट बहुत ज़्यादा आसान थे, इस वजह से बकिया क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ। बहुत ही अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी दूसरी वीडियो भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन देखना हो 9, 10, 11, 12, तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कज़नों के साथ शेयर करें ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप भी इसको ईजिली देख सकें। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।